रिजर्वेशन पे जारी चर्चा के पार्ट सिक्स में आप सबका स्वागत है। कल मैंने आपको 1980 के रिजर्वेशन से संबंधित प्रपत्र कार्यालय ज्ञापन प्रधानमंत्री श्री टी अंजैया इन सबके पत्र और तत्कालीन योजना व श्रम मंत्री स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी के पत्र आदि आपसे साझा किए थे और वो जो मैंने साझा किए थे आपसे उससे आपने तीन चार चीजें नोट की होंगी सभी पत्रों में और कार्यालय ज्ञापों में दृष्टिबाधितों के सेवा योजन और रिजर्वेशन के लाभ को लेकर विभिन्न पक्षों पर बात की गई, समुचित व्यवस्थाएं की गई और पूरा प्रयास उनके अंतर्गत यह था कि किस तरह से दृष्टिबाधितों को उसका लाभ अधिक से अधिक मिले और सभी। और आप ये देखेंगे कि उन पत्रों में सरकार का कमिटमेंट साफ साफ था। जनवरी 81 का जो पत्र है उसमें साफ साफ कमिटमेंट था, जो लेबर मिनिस्टर्स की स्टैंडिंग कमेटी में लिया गया था फैसला कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर सभी जितने भी एम्प्लॉयमेंट स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में रजिस्टर्ड दृष्टिबाधित हैं उनको समयबद्ध तरीके से जॉब दी जाए रिजर्वेशन के अगेंस्ट। और साथ ही उसमें यह भी व्यवस्था थी कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक विभाग हर महीने कम से कम एक व्यक्ति को, एक दृष्टिबाधित को एम्प्लॉय, जिसके परिणाम स्वरूप 1981 में बहुत से लोगों के जॉब्स लगे, ग्रुप बी में विशेष रूप, और 82 में एक क्रम जारी रहा। 82 में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में 213 लोगों का विशेष भर्ती अभियान चला के जो हमने लिस्ट दी थी तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के स्वर्गीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी थे, उनके साथ मैंने बैठक करके पूरी योजना बनाकर 213 लोगों की सूची दी थी और उसमें साफ साफ स्पष्ट किया था कि कितने लोग किस जगह क्या काम के लिए एम्प्लॉय किए जाए और उस पर अक्षरशः लिखे हैं। इसी तरह हरियाणा में भी स्पेशल भर्ती अभियान के माध्यम से सभी रिजर्वेशंस के अगेंस्ट दृष्टिबाधितों की नियुक्ति हुई। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उसके वजह से रोजगार के दरवाजे खुले और आरक्षण जो 1977 में हुआ था इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रारंभ हुआ। अब इसको यहाँ पर ये बात दोबारा और बार बार रेखांकित करना चाहूंगा कि 1977 में जो आरक्षण हुआ था केवल ग्रुप सी डी में था, पोस्ट के अगेंस्ट था, आइडेंटिफाइड पोस्ट के अगेंस्ट काउंटिंग होनी थी केवल, न कि सारी पोस्ट को देखकर, और वैकेंसी बेस तो था ही नहीं। अब 1984 में आते हैं। 1984 का एक शासनादेश निर्गत हुआ, वो शासनादेश है 20 जनवरी 1984, और ये आरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर दिव्यांगों के ये क्लेरिफिकेशन के रूप में कार्यालय ज्ञापन हुआ, ऑफिस मेमोरेंडम इशू हुआ। इसका सब्जेक्ट ही है
सब्जेक्ट रिजर्वेशन फॉर हैंडीकैप पर्संस का सब्जेक्ट है दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण, फर्दर क्लेरिफिकेशंस रिगार्डिंग, और इस संबंध में और स्पष्टीकरण. The undersigned is directed to refer to Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Training and Administrative Reforms, OM number this, dated 4/1/1977, copy and close, 1977 वाला जो first OM था, and to say that various aspects relating to the reservation for handicapped persons were discussed in the meeting of the Central Advisory Committee organized by Ministry of Social Welfare. इस बैठक में मैं सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का मेंबर था, मैंने विभाग लिया था, तो उसमें कई इश्यूज हमने उठाए थे, उनका स्पष्टीकरण, उन पर कई डिसीजंस लिए गए, उनको स्पष्ट करने के लिए कई इश्यूज को. It emerged from the meeting that the following points are not free from doubt, resulting into different practices being followed by the ministries departments. उस बैठक के परिणाम स्वरूप जो निष्कर्ष निकला वो ये था कि बहुत सी चीजें अस्पष्ट हैं और उसकी वजह से विभिन्न विभाग अपने अपने तरीके से विभिन्न प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अपना रहे हैं. Whether reservation for physically handicapped persons is to be provided in vacancies or in posts. So, पहला क्वेश्चन था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप समझ लें कि 2013 का जो जजमेंट है उसको आपको उसका महत्व समझने में आपको आसानी होगी. पहला जो पहलू है कि क्या दिव्यांगों का आरक्षण वैकेंसीज के आधार पर उसकी गणना होगी या पोस्ट के आधार. दूसरा पहलू क्या था, वेदर रिजर्वेशन विच कुड नॉट बी प्रोवाइडेड इन द एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज विल बी एकोमोडेटेड इन द कैटेगरी ऑफ पोस्ट वेयर रिजर्वेशन अप्लाइज. दूसरा इशू यही था कि अगर जो पोस्ट एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में आती हैं या अनआइडेंटिफाइड हैं, तो उनमें जो रिजर्वेशन है उनका जितना भी रिजर्वेशन परसेंटेज निकलता है 3% के बराबर, क्या वो दूसरे पोस्ट के अगेंस्ट भी अप्लाई होगा, अर्थात उन पोस्टों में उसकी कमी पूरी की जा सकेगी. वेदर रिजर्वेशन अप्लाइज ओनली टू आइडेंटिफाइड पोस्ट, क्या केवल रिजर्वेशन चिन्हांकित पदों पर ही लागू होगा. Whether reservation applies to Group C and Group B posts taken as a whole or separately to each category of posts. क्या reservation Group C और Group B की posts को एक साथ मिलाकर compute होगा या हर category of posts को अलग मानकर reservation की गणना होगी. The matter has been carefully considered and clarification on the above points seriatim is as needed. अब होम अफेयर्स ने आप इसके कहा कि इन सब पहलुओं पर विचार करने के बाद निम्नांकित स्पष्टीकरण इशू किया जाता है या दिया जाता है. रोमन वन, द प्रेजेंट स्कीम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ 3% फॉर हैंडीकैप्ड पर्सन्स is based on occurrence of vacancies from time to time and not on the total number of posts in a particular category. इन्होंने कहा accrual basis पे ये जो reservation है वो समय समय पर जो रिक्तियां आएंगी उसके आधार पर गणना होगी, न कि total posts पर उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जो है उनके अगेंस्ट गणना हो. अर्थात अगर मान लीजिए किसी पोस्ट में
किसी किसी साल में केवल 10 वैकेंसी आए तो 10 के अगेंस्ट रिजर्वेशन की बात होगी। दिस इज द बेसिक फिलॉसफी ऑन विच द रिजर्वेशन स्कीम फॉर एससी एसटी ऑल्सो इज बेस्ड एंड विच इक्वली अप्लाइज इन केस ऑफ रिजर्वेशन फॉर फिजिकली हैंडीकैप पर्सन्स। तो यही यही आधार एससी एसटी के रिजर्वेशन का ही है और इसीलिए यही आधार दिव्यांगों के आरक्षण पर भी लागू रहेगा। सेकेंड इशू, द पोस्ट विच हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ रिजर्वेशन स्कीम इन टर्म्स ऑफ पैरा 4 ऑफ द डिपार्टमेंट्स ओएम नंबर इतना डेटेड 4/11/1977 विल हैव टू बी एक्सक्लूडेड, देयरफॉर रिजर्वेशन ऑर्डर्स will not be applicable to exempted categories of posts. Hence, the question of computing 3% of vacancies in the exempted category and adjusting it to the category where reservation orders apply does not arise. अब ये बहुत important बात कही और इससे आप समझ सकते हैं कि reservation कितना limited था 1984 में इस झगड़े के बावजूद, और इसलिए यह संघर्ष आगे जारी रखना। तो इन्होंने कहा कि ये जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी पे है उस पर रिजर्वेशन, जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी ऑफ पोस्ट हैं जिनसे छूट दी गई है जिन पोस्टों के विरुद्ध आरक्षण से, उनके अगेंस्ट एग्जेम्प्शन एग्जेम्प्टेड पोस्ट के अगेंस्ट रिजर्वेशन अप्लाई नहीं करता और इसलिए उन पोस्ट का 3% की गणना करते समय उनकी रिक्तियां जो हैं वो एडजस्ट नहीं की जाएंगी उन पोस्ट के अगेंस्ट जो जिन पर रिजर्वेशन अप्लाई करता है। दूसरे शब्दों में केवल चिन्हांकित पदों में होने वाली रिक्तियों में आरक्षण की गणना की जाएगी और उसी में आपकी 3% का आरक्षण लागू रहेगा। रोमन 3, रिजर्वेशन फॉर 3% ऑफ 3% फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन विल बी एप्लीकेबल टू दोज पोस्ट्स व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर बीइंग सुटेबल टू बी हेल्ड बाय ऑल और एनी कैटेगरी ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, दो 1% ईच हैड टू बी प्रोवाइडेड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ द हैंडीकैप्ड पर्सन, बट इन केस एनी पर्टिकुलर पोस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड as being suitable for only one category of handicapped persons, the remaining percentage can be exchanged in favor of the category for whom the post have been found to be suitable. तो इसमें क्या कहा कि रिजर्वेशन की गणना और उसका एप्लीकेबिलिटी केवल आइडेंटिफाइड पोस्ट के लिए, और वो पोस्ट अगर चाहे एक कैटेगरी के लिए हो या सभी के लिए हो या एक से ज्यादा कैटेगरी के लिए हो दिव्यांगों की, और इसलिए अगर कोई पोस्ट ऐसी है जिसमें केवल एक कैटेगरी के लिए वो आइडेंटिफाइड है तो पूरा 3% उस कैटेगरी को दिया जा सकता है। इसमें उदाहरण भी दिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ ए पर्टिकुलर पोस्ट इज सुटेबल फॉर दी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप कैटेगरीज बट एक्सचेंजिंग परसेंटेज of reservation provided by the other two categories of handicapped persons, i.e. the blind and the deaf. तो उनको एक्सचेंज करके ऑर्थोपेडिक को ही पूरा दिया जा सकता है जो बचा हुआ 2%, और यही कारण है कि पोस्ट चूंकि उस समय कम आइडेंटिफाइड हुई थी तो ज्यादातर रिजर्वेशन एंड ऑर्थोपेडिक हो गया। रिजर्वेशन फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन was to be provided the same manner as is being provided to SC, ST, and points of for the physically handicapped persons have been fixed in the same roster which is being maintained for the purpose of providing reservation for SC, ST. Therefore, reservation for the physically handicapped will also have to be provided separately in the category of posts within group C and group D, separately
The logical corollary of principle is that the roster should be maintained for each category of course separately and not with regard to total groups C or group D post in ministry or department. इन्होंने कहा कि एक ही roster होगा जो SC ST का है, वही roster physically handicapped के लिए भी होगा. हाँ, उसमें सेपरेट पॉइंट दिया जाएगा और इसका इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि हर पोस्ट के लिए अलग रोस्टर होगा. अब आप समझ लें कि हर पोस्ट के लिए अलग रोस्टर होगा, SC ST वाला ही रोस्टर में हमको पॉइंट दिया जाएगा, तो रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन कितना डिफिकल्ट और कितना कम स्कोप 3% रिजर्वेशन में हमारे लिए जॉब्स के लिए उस 1984 के ओएम से निकला या 77 से निकला. इसके बावजूद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने इन सब सीमाओं के बाद भी आपके संगठन ने किस तरह लगातार अपना संघर्ष जारी रखते हुए लोगों को 1980 में जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज खुली थी ग्रुप डी से शुरुआत करके ग्रुप सी में 87 आते आते उसको और 82 में भी ग्रुप सी में भी और डी में भी राज्यों में भी और केंद्र सरकार में लोगों को लगवाया. थर्ड, इट मे बी मेंशन दैट द पॉइंट्स फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्संस हैव बीन प्रोवाइडेड ओनली इन 100 पॉइंट रोस्टर व्हिच इज जनरली फॉलोड फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट बिकॉज दे नॉर्मली अट्रैक्ट लोकल एंड regional population, but in the case of the Union Territory of Delhi, orders provide for the maintenance of a 40-point roster, which is based on all India percentage. There may, as other appointing authorities outside the Union Territory of Delhi, where recruitment to Group C and D posts is being मेड थ्रू 40-point रोस्टर. तो 100-point रोस्टर लगेगा और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए 40-point रोस्टर फॉलो हो रहा है, होने की बात कही. सिंस 3% रिजर्वेशन फॉर द फिजिकली हैंडीकैप प्रोवाइडेड इन 40-point रोस्टर विच हैज ओनली 40 points, देर इज 6 points आउट ऑफ 200 points in 5 cycle of 40-point roster. Thus, asking 3%, taking these principles into account, 6 points in 5 cycles of 40-point roster should be fixed in the following manner. First cycle, third, first cycle, third, 37 points, first cycle में, third point and 37 points, second cycle में, 38 points and 23rd points, fourth cycle में, 18th point, 17th point being reserved for scheduled tribes. Fifth cycle, 10 point. Ministry of Finance, etc. So, अब आप देखिए कि SC ST के बाद का पॉइंट हमको मिला है, मिला था उसको. तो यहां भी प्रायोरिटी नहीं थी और कितना लंबा इंतजार करना पड़ता. इसके बावजूद अब जो बात मैं बार बार कह रहा हूं, इसके बावजूद हमको इसको लागू करवाने के लिए जो हमने लगातार संघर्ष किया संगठन ने, उसका परिणाम था कि अब 86-87 में इसमें काफी बड़े पैमाने पर भी रिक्रूटमेंट को पुनर्जीवित किया गया 82 के बाद और
उस पुनर्जीवित करने के परिणाम स्वरूप बहुत से लोगों को ग्रुप सी और डी में जॉब मिला, जिस पर अब मैं आगे चर्चा करने जा रहा हूं और आपसे साझा करूंगा विभिन्न ऑफिस ऑर्डर्स जो उस संबंध में निकले। मित्रों, इसके बाद 1986 में भी एक ऑफिस ऑर्डर आया और 1986 का जो ऑफिस ऑर्डर था वो 1984 के ऑफिस ऑर्डर को के क्रम में था। वो ऑफिस ऑर्डर भी हम सबके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस ऑफिस ऑर्डर के माध्यम से इसको और स्पष्ट किया गया, रिजर्वेशन को और स्पष्ट किया गया 1984 वाले ऑफिस मेमोरेंडम को फर्दर क्लेरिफाई किया गया और उस क्लेरिफिकेशन के परिणाम स्वरूप हमने देखा कि किस तरह से उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न पक्षों को और स्पष्ट करते हुए आरक्षण के इम्प्लीमेंटेशन को और सशक्त बनाने का पूर्ण प्रयास हुआ। तो जैसा मैंने कहा कि अब हम कुछ उन ऑफिस ऑर्डर्स पर बात कर लें जो ऑफिस ऑर्डर्स बाद में 1986 और 87 में हमारे सामने आए। उन ऑफिस ऑर्डर्स पे 1986 का मैंने आपको बताया, उसके बाद 1987 में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 1987 में मूल रूप से जो ऑफिस ऑर्डर्स आए उन ऑफिस ऑर्डर्स में सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो हम लोगों के आंदोलन के परिणाम स्वरूप, आपके संगठन के, आप सबके आंदोलन के परिणाम स्वरूप वो ऑफिस ऑर्डर LDC को आइडेंटिफाई ब्लाइंड के लिए करवाने का था, वो भी एक लंबे आंदोलन के बाद और एक दूसरे ढंग से जो आंदोलन किया गया उसके परिणाम स्वरूप वो संभव हुआ था। और उस ऑफिस ऑर्डर के साथ ही उस समय जो आंदोलन चला स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलवाने के लिए, पहली बार स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव सेंट्रलाइज्ड सभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा, जिसमें हजारों लोग लगे और एक स्पष्ट बात सामने आई कि दृष्टिबाधितों के आरक्षण को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो केंद्र सरकार के साथ जिद्दोजहद शुरू हुई थी और उसमें जो बीच में शिथिलता आ गई थी
उस शिथिलता को समाप्त करते हुए पुनः उस मुहिम को जीवंत बनाया गया और उसके परिणाम स्वरूप उस मुहिम के जीवंत बनने के परिणाम स्वरूप ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चली और उस स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के परिणाम स्वरूप जैसा मैंने कहा कि बहुत से लोग जॉब में आए। ये 27 नवंबर 1987 का ऑफिस ऑर्डर है जो जो हमारे इन सब चीजों को लेकर निकला और इसी में इसी ऑफिस ऑर्डर में सरकार ने पुनः वो जो दिव्यांग जनों के अधिकारों पर जो कानून बनाने की मांग काफी लंबे समय से चल रही थी उस मांग को लेकर सरकार ने अग्रिम कार्रवाई की। उस अग्रिम कार्रवाई के परिणाम स्वरूप जैसा मैंने कहा तो बहुत से लोग लगे 1987 बल्कि 1996 तक इस एक्ट नए पिछले एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन या फोर्स में आने तक जो 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 लोग लगे या जो पोजीशन रही वो पोजीशन यही रही कि जो रिजर्वेशन है वो पोस्ट बेस्ड है, रिजर्वेशन रोस्टर अलग नहीं है, केवल आइडेंटिफाइड पोस्ट के अगेंस्ट है और अनआइडेंटिफाइड पोस्ट एग्जेम्प्टेड मान ली जाएंगी और उनके विरुद्ध किसी प्रकार से न तो अपनी मेरिट पर ना ही आरक्षण का लाभ देकर रिजर्वेशन प्राप्त हो सकता है। ये कुल मिलाकर उसका निचोड़ है। उन्नीस सौ 95 के एक्ट के आने के बाद जैसा मैंने आपको बताया उस एक्ट के आने के बाद पहली बार ये बहस शुरू हुई। उस एक्ट ने पहली बार ग्रुप सी और ग्रुप डी के अलावा ग्रुप ए और बी में भी आरक्षण लागू किया और साथ ही जो आमूलचूल परिवर्तन आया वो ये कि 3% का आरक्षण प्रत्येक एस्टेब्लिशमेंट में 3% का आरक्षण एस्टेब्लिशमेंट में किया गया, जिसका मतलब कुल संख्या का 3%, कुछ कुल एम्प्लॉई की संख्या का 3%। ये जो बात आई ये एक डिपार्चर था पिछली वाली व्यवस्था से, इसने आरक्षण को और व्यापक बनाया लेकिन सरकार अपने ढंग से ही इसको इंटरप्रेट करती है। हाँ 1995 से पहले वाले एक्ट से पहले मैं आपसे एक और 1989 के ऑफिस ऑर्डर का भी जिक्र करना चाहूंगा और ये भी
लगातार आंदोलनों में उठी मांगों का परिणाम था संघ की और सरकार से हुए समझौते का ही परिणाम था। ग्रुप सी और डी में पहली बार रिजर्वेशन इन प्रमोशन को भी स्वीकार किया। तो चूंकि उस समय आरक्षण केवल ग्रुप सी और डी में था और इसलिए आरक्षण ग्रुप सी और डी में होने के कारण जो व्यवस्था रिजर्वेशन इन प्रमोशन की थी वो भी केवल ग्रुप सी और डी में की गई। मैं उस ऑफिस ऑर्डर पर जरूर आना चाहूंगा 1989 के, वो 27 नवंबर ये ऑफिस ऑर्डर जो पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस का है एंड पेंशन, इस ऑफिस ऑर्डर को हम सब पढ़ते हैं 20th नवंबर 1989 का ऑफिस ऑर्डर। सब्जेक्ट रिजर्वेशन फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड इन पोस्ट फिल्ड बाय प्रमोशन, इसका विषय है प्रमोशन से पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में दिव्यांग जनों का आरक्षण। The undersigned is directed to say that the government has under consideration a proposal introducing reservation in favor of the physically handicapped person in post filled by promotion. The matter has been examined and it has now been decided that when promotions are being made within group D, from group B to group C and within group C, reservation will be provided for the three categories of physically handicapped persons, namely the visually handicapped, the hearing handicapped, and the orthopedically handicapped. The applicability of the reservation will, however, be limited to promotion being to those posts that are identified as being capable of being filled public held by the appropriate category of physically handicapped. Each of the three categories of the physically handicapped persons will be allowed reservation at 1% each, though the reservation will be effective only in those posts that are identified as being capable of being held by the appropriate category of the physically handicapped person. The number of vacancies that will be reserved for the physically handicapped persons when promotions are being made to such identified posts will be computed by taking into account the total number of vacancies that arise for being filled by promotion in an equivalent year, both in the non-identified as well as identified posts. If the appropriate category of the physically handicapped persons are not available in the feeder grade which promotion is being made to the next higher grade of the identified post, then an inter-see exchange will be permitted to subject to the condition that the post to which promotion is to be made is one that can be held by the category of the physically handicapped persons available in the feeder grade, and two, the reservation so exchanged is carried forward to the next three recruitment years, after which the reservation lapses. Ministry of Finance. So, क्या कहा इसमें? 3% का आरक्षण प्रमोशन में दिया गया, लेकिन ये आरक्षण प्रमोशन में उसी कैटेगरी को दिया गया जिस कैटेगरी के लिए वो पोस्ट आइडेंटिफाइड है जिसमें प्रमोशन होना है, और फीडर ग्रेड में फीडर ग्रेड भी आइडेंटिफाइड है। इसके अलावा डिपार्चर क्या था?
वो 1986 के ऑर्डर की वजह से डिपार्चर था कि जहां पर पोस्ट कि अब आपने 84 तक में क्या देखा कि जो पोस्ट आइडेंटिफाइड हैं ब्लाइंड के लिए या डिसेबल्ड के लिए, जिस कैटेगरी के डिसेबल्ड के लिए, वो पोस्ट सारी पोस्ट उसके अतिरिक्त जो अनआइडेंटिफाइड पोस्ट है वो भी उनमें भी उनको भी मिलाकर गणना की जाएगी 3%। अर्थात जब 3% के अगेंस्ट वैकेंसीज का की गणना होनी है तो 84 के वाले में क्या था कि आप केवल आइडेंटिफाइड पोस्ट में जितनी वैकेंसीज हैं उन्हीं में गणना करेंगे, लेकिन 86 में उसको चेंज करके कहा गया कि गणना जो होगी वो दोनों में होगी, आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड दोनों में, दोनों पोस्टों में जो वैकेंसीज आएंगी उनके में उनमें गणना उनके अगेंस्ट गणना की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिपार्चर था जो 1986 के मेमोरेंडम से हुआ, और इन 1986 के मेमोरेंडम में हम लोगों के सतत प्रयास के बाद ये चेंज आया, और 1986 के इस अमेंडमेंट के बाद 1987 में, जैसा मैंने कहा, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चली, और उसके परिणाम स्वरूप स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के परिणाम स्वरूप जो जो गणना हुई बैकलॉग की, क्योंकि बैकलॉग के अगेंस्ट ही स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव हो सकती थी, उसमें इस चेंज का फायदा मिला, उसमें इस चेंज का बहुत फायदा मिला, और ज्यादा पद हम लोगों के बैकलॉग के गणना में आए, अन्यथा बैकलॉग के पद कम आ रहे थे, और बैकलॉग के पद कम आने के कारण हमें कम पद मिलते और उससे कम लोगों को रोजगार मिलता। मैं एक्ट को की चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मैं समझता हूँ कि हमें 1986 के डॉक्यूमेंट को भी देख लेना उचित रहेगा, और इसलिए मैं 86 के डॉक्यूमेंट पर भी जाऊंगा। हालांकि मैंने आपको मूल उसमें जो परिवर्तन है उससे आपको अवगत कराया है, लेकिन फिर भी उसको देखना आवश्यक होगा। ये 1 अप्रैल 1986 का ऑफिस ऑर्डर है, और इसको मैं अब पढ़ता हूँ। 1 अप्रैल 1986 नंबर 1600 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीसी एंड पेंशंस Department of Personnel and of Training, New Delhi, the 1st April 1986, Office Memorandum, Subject, Vishay kya hai? Reservation for Physically Handicapped Persons in Group C and Group D Post Services under the Central Government. Kendra Sarkar ke antargat Group C aur Group D Post mein arakshan. Ye iska vishay hai. The undersigned is directed to refer to the Department of Personnel and Administrative Reforms, Office Memorandum Number 3901-661, so ESTC, dated 4-11-77, read with OM number so and so, dated 20th January 1984, on the
subject mentioned above and to say that the question whether 3% reservation for the physically handicapped is to be computed on the basis of vacancies occurring only in the Group C and Group D posts which have been identified as suitable for the physically handicapped persons or not, they on the basis of total vacancies occurring in all Group C and Group D posts respectively has been reconsidered in the context of the need for a speedy rehabilitation of the physically handicapped. It has now been decided that with effect from 1st April 1986. तो क्या इशू विचार के लिए था सरकार के पास जिस पर ये फैसला करके ये कार्यालय आदेश निर्गत किया गया कि क्या ग्रुप सी और ग्रुप डी में केवल उन पोस्ट के अगेंस्ट रिजर्वेशन कंप्यूट होगा जो आइडेंटिफाइड है और अनआइडेंटिफाइड पोस्ट के अगेंस्ट नहीं किया जाएगा तो लिमिटेड 3% की गणना केवल लिमिटेड टू आइडेंटिफाइड पोस्ट होगी उन्होंने कहा नहीं ये 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 मामला पूरा रिकंसिडर करके इस उद्देश्य के साथ रिकंसिडर किया गया इस पर पुनर्विचार किया गया ताकि दिव्यांग जनों का पुनर्वास शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित हो और उस पुनर्विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि 1 अप्रैल 1986 से 3% आरक्षण दिव्यांगों के लिए जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी में उसकी गणना टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अकरिंग इन ऑल ग्रुप सी मतलब ग्रुप सी और ग्रुप डी में जितनी भी रिक्तियां होंगी चाहे आइडेंटिफाइड पोस्ट में हो चाहे अनआइडेंटिफाइड पोस्ट में हो उसके अगेंस्ट की जाएगी और ये रिक्तियां हर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अगेंस्ट के अंतर्गत आने वाली सारी रिक्तियों को एक पूरा ग्रुप मानकर इनका रिक्रूटमेंट किया जाए इनकी गणना की जाएगी हालांकि रिक्रूटमेंट जो है हैंडीकैप का अपने 3% में से 1% के अगेंस्ट जो किया जाएगा रिस्पेक्टिव कैटेगरी का वो केवल आइडेंटिफाइड ऐसी आइडेंटिफाइड पोस्ट के लिए के अगेंस्ट किया जाएगा जो उनके लिए सुटेबल है अब यहां पे देख लीजिए लेकिन यहां कंडीशन क्या है अब ये 50% सीलिंग वाली बात आ गई सब्जेक्ट टू दी ओवरऑल सीलिंग ऑफ 50% रिजर्वेशन इन दैट पोस्ट एज लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ये 3% आरक्षण को भी 1986 के ऑफिस ऑर्डर ने और इससे पहले भी 50% की सीमा के अंतर्गत ही रखा और इसी का परिणाम था जब इंदिरा सानी का केस हुआ तो मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन पे तो नोटिफिकेशन जब हुआ मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ओबीसी के रिजर्वेशन का तो हमारे रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया क्योंकि 50% की सीमा क्रॉस हो गई जो मैंने आपको बताया इसलिए भी इंदिरा सहनी में जो एनएफबी ने इंटरवीन किया उसका ही परिणाम है कि इस रिजर्वेशन को 50% की सीमा से बाहर लाकर लाया गया और ये रिजर्वेशन कंटिन्यू हो पाया इसका पैरा टू पढ़ देते हैं एज 3% रिजर्वेशन शैल नाउ हैव टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसीज अकरिंग इन बोथ द आइडेंटिफाइड एंड नॉन आइडेंटिफाइड ग्रुप सी एंड ग्रुप डी posts and since there are no reserved points for the physically handicapped in the roster for non-identified posts, the instructions laid down in this department's office memorandum number so and so dated 27th March 1981, OM number so and so dated 20th January 1984 and OM number so and so dated 10th September 1984 for effecting the carrying forward the reservation for various categories of physically handicapped through fixed points
on the roster shall be deemed to have been withdrawn with immediate effect. Consequently, the 3% reservation for the physically handicapped shall now be computed in the manner laid down as under. तो जो फिक्स पॉइंट्स थे रोस्टर पे वो हटा दिए और नया तरीका, नया प्रोसीजर, नई प्रक्रिया पॉइंट्स की इन्होंने ले डाउन की. वो क्या है? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर एवरी अपॉइंटेड अपॉइंटिंग अथॉरिटी शैल असेस द नंबर ऑफ वैकेंसीज एक्चुअल एज वेल एज एंटीसिपेटेड फॉर मेकिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द वेरियस पोस्ट पब्लिक सर्विसेज under its administrative control. These vacancies shall be plotted on the separate rosters being maintained for different grades public cadres in each office of the appointing authority for giving effect to reservation for scheduled castes, scheduled tribes. In the case of such vacancies occurring in posts identified as suitable on one or more of the categories of the handicap, the appointing authority shall also work out the number of vacancies which could be reserved for the physically handicapped after accommodating fresh and the carried forward reservation of scheduled castes, scheduled tribes within the 50% ceiling as laid down by the Supreme Court. This exercise shall be completed within the month of January itself, and the appointing authority shall send a report to the head of the department by 31st January of each year, intimating the following details. So, इसमें क्या procedure lay down किया? Roster point हटा दिए. साल के शुरू में हर appointing authority को अपने head को details भेजने होंगे vacancies की, और वो जो details आएंगी, चाहे fresh vacancy हो या कैरीड फॉरवर्ड वैकेंसीज में, उन डिटेल्स को प्लॉटेड प्लॉट करके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्लॉट करेगा और फिर उसमें आइडेंटिफाइड पोस्ट में वैकेंसीज को आइडेंटिफाई करके रिजर्वेशन देगा. लेकिन ये सब भी पहले 50% की सीमा के अंतर्गत ही किया जाएगा और उसके बिना नहीं किया जाएगा. तो ये इस तरह से आपने देखा कि 1986 में 84 से डिपार्चर हुआ, आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड दोनों प्रकार की पोस्ट को कंसीडर करके उनके अगेंस्ट जो 3% बनता है और 1-1% वो वैकेंसीज देनी है, लेकिन वो वैकेंसीज आइडेंटिफाइड पोस्ट में देनी है. ये बात आई, लेकिन रोस्टर सेपरेट नहीं होगा. रोस्टर सबका SC ST वाला जो रोस्टर है उसी में हमें रिजर्वेशन मिलेगा, 50% की सीमा में रहकर रिजर्वेशन मिलेगा. और जो कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज हैं वो तभी मिलेंगी जब SC ST के लिए प्रोविजन करके और 50% की सीमा से ऊपर ना जाए. अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम कल इंदिरा साहनी के केस को रिविजिट करके संक्षेप में कि उसका महत्व क्या है पुनः, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, तो वो हम पुनः समझेंगे और फिर हम 95 वाले एक्ट पर और उसने किस तरह से हमारे रिजर्वेशन को मीनिंगफुल बनाया, इस पर चर्चा जो आज थोड़ी सी मैंने बीच में शुरू की थी उसको आगे बढ़ाएंगे. आज मैं समझता हूँ काफी समय हो गया है और काफी लंबी चर्चा हुई है, तो प्रश्न हम यदि चलिए कोई प्रश्न हो तो आप क्विकली दे सकते हैं. अब आप अपने प्रश्न भेज दें ताकि उसका उत्तर हम दे सकें और कल आगे चर्चा को बढ़ा सकें.
किसने किया था आज? आज कमेंट्स नहीं कोई नहीं किसने किया था? वो आज किसने ओपन किया था? भैया मैं शायद उन्होंने आज क्या कर दिया, मेड को पेस्ट कर दिया तो कमेंट्स लॉक हो गया। कोई नहीं, सेम हो गया। खोल के नहीं, कमेंट्स ऑप्शन लॉक नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकता इस स्टेज पे। मुझे लगता है गलती से कमेंट्स का कॉलम लॉक हो गया है, समय शुरू करते समय ध्यान नहीं रहा, तो कल हम आपके प्रश्न ले लेंगे। आज इतना ही, कल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप सबसे आगे चलें।